फाइनली सलमान खान की टाइगर की झलक आ गई सामने। पिछले काफी समय से सलमान खान लाइमलाइट से काफी दूर थे। जब हमारी टीम उन्हें यशराज फिल्म के स्टूडियो के पास सलमान खान की फोटोग्राफी के लिए गई थी, तब सलमान खान के लुक को यशराज फिल्म की टीम के द्वारा छुपाया जा रहा था। और इतना ही नहीं बल्कि भाईजान और फिल्म मेकर्स टाइगर का लुक छुपाना चाहते थे। जी हाँ, हम सबको पता है कि सलमान खान इन दिनों टाइगर 3 फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और फिल्म में सलमान खान का लुक कैसा होगा वो हर कोई जानने के लिए काफी बेताब होगा। लेकिन सलमान खान इस लुक को पिछले महीने से छुपाते हुए आ रहे हैं और आज फाइनली सलमान खान ने इस लुक को रिवील कर दिया है। हालांकि ये लुक सलमान खान ने स्पेशली टाइगर 3 फिल्म को लेकर नहीं किया, बल्कि हाल ही में सलमान खान ने एक एडवर्टाइज शूट किया है और ये एडवर्टाइज है राजश्री इलायची की। इस एडवर्टाइज में सलमान खान लाइट मूंछ और दाढ़ी में नजर आ रहे हैं और उनका ये लुक टाइगर जिंदा है से थोड़ा अलग है। लेकिन इस लुक में सलमान खान काफी हैंडसम और फिट लग रहे हैं और सलमान खान का ये लुक आपको बहुत ही पसंद आएगा। हालांकि इस एड की शुरुआत दबंग खान ने टाइगर की एंट्री से ही की है। जी हाँ, बता दें कि सलमान खान एडवर्टाइज की शुरुआत में टाइगर का स्कार्फ पहने हुए नजर आते हैं और वो भी दबंग की स्टाइल में डांस करके सलमान खान का टाइगर 3 का तो लुक जरूर रिवील हो गया है। लेकिन ये तो सिर्फ एक झलक है, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है। लेकिन जब सिनेमा घरों में टाइगर 3 फिल्म आएगी तो बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी, क्योंकि जब टाइगर सीरीज का पहला पार्ट 1 था टाइगर आया था, तब वो फिल्म सलमान खान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई थी और इसके बाद जब टाइगर जिंदा है रिलीज हुई तब भी वो फिल्म उनके करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी और एक बार फिर से टाइगर 3 फिल्मों को लेकर धमाल मचाने के लिए आ रहे हैं। तो आपको कैसा लगा सलमान खान का ये लुक, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।